नीट के बाद अब लगातार नेट को लेकर भी विवाद शुरू हो चुके हैं और अब बता दें कि इसी को लेकर छात्रों का संगठन शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है और ये मांग की गई है कि एनटीए की बजाय अब सीबीएसई से एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि लगातार देखिए एनटीए यानी कि नीट एग्जाम लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, इसके बाद अब यूजीसी का पेपर लीक होने के बाद जो छात्रों में है वो गुस्सा देखने को मिल रहा है, उनकी जो पूरे साल की मेहनत है वो बर्बाद हो गई है। ऐसे में अब दिल्ली में शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए छात्रों का संगठन पहुंचा और नेट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करके ये कहा गया कि एनटीए की बजाय सीबीएसई से परीक्षा करवाई जाए। तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है, आप धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात करके आए हैं। देखिए नीट के बाद अब नेट का पेपर रद्द हो गया है। देखिए नीट की मामला इतना हाइपोथेटिकल हो चुका था, इतना अभी भी बच्चे सड़क पर हैं और इसको लगातार लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसके साथ साथ नेट का जो पेपर था वो पहले ही टेलीग्राम पे लॉन्च हो रहा था, 1000-5000 रुपये में बेचा जा रहा था। तो इसको देखते हुए आईबी की टीम ने जो भी खबर पहुँचाई थी तो वो मैच करना चाहते थे कि एग्जाम होने के बाद जो पेपर लीक हो रही है क्या पेपर वही है या नहीं है। शायद इसी वजह से एग्जाम को कैंसिल तय समय पर ना करके एग्जाम होने के बाद कैंसिल किया गया है, क्योंकि बच्चों को आने वाले टाइम पे ये परेशानी होती, किसी भी एग्जाम में कट ऑफ जब बहुत ऊपर जाता है 70%, 80%, तो ये देखने को मिलता है मैडम कि बच्चों में हताशा आता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इतना ऊपर कट ऑफ जाने की कहीं से भी कोई प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इतने 10 लाख के आसपास बच्चे हैं, इनकी मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक, उसके बाद आर्थिक स्थिति खराब जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, लोअर क्लास के बच्चे हैं, जिसकी फैमिली ने पूरा समर्थन सपोर्ट किया था बच्चों को पढ़ने के लिए, अब उनकी सारी रिसोर्सेस। एनटीए पर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए नीट के बाद नीट में गड़बड़ी होती है, अब इस तरह नेट में भी गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हो जाता है, टेलीग्राम पे ही अब क्वेश्चन पेपर सारे बिकने लग गए हैं, तो एनटीए पर कितना भरोसा करेंगे आने वाले स्टूडेंट और आप लोग, चूंकि देखिए यूथ कांग्रेस से हैं। जी मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी से मांग की है कि आने वाले टाइम पे एनटीए की एजेंसी को हटा दिया जाए और एजेंसी को हटाने के बाद किसी अन्य एजेंसी को एग्जाम के लिए कराया जाए, क्योंकि हम कैसे भरोसा करेंगे, छात्र छात्राएं कैसे भरोसा करेंगे कि एनटीए फिर से पेपर लीक में संलिप्त नहीं होगा, और बच्चों को भरोसा कैसे आएगा। आप सीबीएसई से पेपर कराइए, बिल्कुल एनटीए को हटाइए, क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना रहकर नॉन ट्रस्टेड एजेंसी हो चुकी है आज के डेट में। जी सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है। मैं साथ में आपको ये चाहूंगा अगर आपके कैमरामैन यहां फोकस कर सकें, अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड करके मैंने मेल किया था। इस तरह से पेपर जो है, पेपर लीक जो है, हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई है, राहुल सर ने, मैंने, बच्चों का समर्थन भी मिला। तो देखिए अब आपको बताते हैं कि जो नेट को की परीक्षा रद्द हुई है उसके बाद किसने क्या कहा, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले आपको बताते हैं नेट परीक्षा गड़बड़ी की शिकायत मिली, शिकायतों का संज्ञान लेकर परीक्षा रद्द की गई, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया है मामला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने ये कहा है। इसके बाद आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है, बीजेपी राज में हर परीक्षा में धांधली हो रही है, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। वही आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी ले, ये प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की नेता है उन्होंने ये कहा है। वहीं आपको बताएं इस सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान होगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। पेपर लीक करना कांग्रेस पार्टी का काम है, मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता है, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। अधर में लाखों छात्रों का भविष्य है, जिम्मेदार आकर कौन है, शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो अब प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है अलग अलग जगह से, अब आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और इस बीच बड़ी खबर, नीट यूजीसी की याचिकाओं पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लगाई है। राजस्थान कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका पर से जुड़ी जो सुनवाई है उस पर भी रोक लगाई गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लगाई है। राजस्थान कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है, याचिका दायर की गई थी लेकिन